हाँ तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि नीट फेज़ टू का एप्लीकेशन फॉर्म हमारे लिए नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, तो जैसा कि मैं बता दूँ कि नीट फेज़ टू का फॉर्म जो स्टूडेंट फिल नहीं करेगा उसका नीट का रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो फिर आप ये मत बोलिएगा कि हमारा नीट का रिज़ल्ट नहीं आया, इसीलिए आपको नीट फेज़ टू का फॉर्म भरना कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स को। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि नीट फेज़ टू का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है, जिनमें से बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहा है कि नीट फेज़ टू का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं इसको कुछ स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा। जो भी आप लोगों को यदि डाउट्स आता है इसका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, क्या क्या डिटेल चाहिए और कब कब डिटेल कैसे कैसे फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो रूल नंबर एक में डेट जो है बेटा, तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक डेट है आपको, लेकिन आपको 10 अक्टूबर तक का वेट नहीं करना, आपको 9 अक्टूबर तक कंप्लीट फिल कर देना है, क्योंकि फिर एक दो दिन पहले सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। उसके बाद बात करूँ बेटा एलिजिबिलिटी, तो नीट फेज़ टू का फॉर्म वही फिल करेगा जो नीट फेज़ फर्स्ट का फॉर्म फिल किया है और 12 सितंबर वाला एग्ज़ाम दे चुका है। बाकी यदि कोई न्यू स्टूडेंट्स है जिनने नीट का फॉर्म ही नहीं भरा, फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उसके लिए नीट फेज़ टू का फॉर्म नहीं है बेटा। उसके बाद जो मेन सबसे बड़ा डाउट है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से अपलोडेड करने हैं। तो नीट फेज़ फर्स्ट का जब हम लोग फॉर्म फिल किए थे, तो वहाँ पे पेज नंबर आप जाओगे तो पेज नंबर 7 में रूल नंबर 34 जब आप देखोगे, तो आपको वहाँ पे दिया हुआ था कि 4 डॉक्यूमेंट अपलोडेड करने हैं, 10th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसाइल, PWBD सर्टिफिकेट। जबकि इस बार ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो ही नहीं रहे हैं, बस डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ उनके इन्फॉर्मेशन देना बेटा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें मेन डाउट्स और बच्चों के कुछ डाउट्स आए हैं 11th मार्कशीट को लेके, तो बेटा बहुत सारी स्कूल्स ऐसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं जो कि 11th का मार्कशीट प्रोवाइड ही नहीं करते। तो यदि आपके पास 11th का मार्कशीट नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक ऑप्शन आएगा कि 11th की मार्कशीट आपको ना तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देना, ना तो उसका रोल नंबर देना, क्योंकि यदि आप बोल दिए 11th की आपके पास है तो वहाँ पर आपको रोल नंबर देना पड़ेगा। लेकिन बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि जो 11th मार्कशीट बहुत सही से प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो वहाँ पर बेटा ऑप्शंस है, आप 11th की मार्कशीट में आप उसमें बता सकते हैं कि कौन से ईयर में पास करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। यदि आपके पास मार्कशीट नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी उसका जनरल इन्फॉर्मेशन भरना है तो आप भर सकते हो। उसके बाद अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, पूरा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। नाइट में वीडियो आएगा तो आप लोग उसको देखिएगा, पूरा फॉर्म स्क्रीन में फिल करते हुए दिखाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और भी यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।